दुनिया। तेरा शुक्र है, शुक्र है, तेरा शुक्र है। मैं यूरोप भी घूमना चाहती हूँ बस। यशिम यार अभी भी आ गई है। कहाँ है वो? ये मेरा है और वो तुम्हारा। दूसरा मैच शुरू कर रहा। हाँ, फेंको फेंको लाओ दो। अरे पकड़ लिया। डेफने, डेफने उठो। ओह, हाँ, ये तो वही घर है। चलो जल्दी। डेफने, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अल्लाह मियाँ, तेरा शुक्र है, शुक्र है, तेरा शुक्र है। मुझे एक और चीज चाहिए आपसे। सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही चाहिए और हाँ, मैं यूरोप भी घूमना चाहती हूँ बस। तौबा अल्लाह, सॉरी, तौबा तौबा तौबा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो भी कहा है भूल जाइए। हाँ, मगर लेकिन मेरी एक और ख्वाहिश है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, तो इतना ज्यादा सोच रहे हो, अच्छी बात है। अब तो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जाता यशिम। मैंने तुमसे कहा था ना। यशिम, हाँ? देखा, अल्लाह भी हमारे साथ में है, क्योंकि बिल्कुल भी मेहनत किए बगैर हम दोनों यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब किसी भी तरह वो बॉक्स ढूंढना है। आ जाओ। डेफने का फोन तो ले लिया ना तुमने? हाँ, रास्ते में फेंक दिया। गुड, लगता है कि बारिश ने संभाल लिया उन लोगों को। हाँ चलो, अब दुआ यह है कि जो कुछ भी हो बिल्कुल सही हो, क्योंकि आगे सब तो फैल भाई के हाथ में। अल्लाह बेहतर करे यार। आमीन। यशिम, अरे उठो, तुम तो ऐसे सो रही हो कि जैसे हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। चलो जल्दी से उठ जाओ यशिम। सुनो, तुम उठोगी तो हम बॉक्स ढूंढेंगे ना। देखो मेरी जान, हम दोनों यहाँ मालदीव हनीमून पर नहीं आए हैं, और ना ही मैं सिनान भाई हूँ, मैं डेफने हूँ। उठो यशिम, यशिम, यशिम यार अभी भी आ गई है। कहाँ है वो? कौन कहाँ है यशिम जान? हबीबे, तुम किस हबीबे की बात कर रही हो? तुमने कहा था हबीबी यहाँ आई हुई है। मैं तो सो रही थी, तुमने यकीन ख्वाब देखा होगा कोई। मैंने ख्वाब देखा था, और वो हबीबे, मैं कसम खाकर कहती हूँ, फिर से मेरी पिक्चर पर ना कोई शायरी लिखकर गई होगी चुड़ैल। मुझे देखना चाहिए, हमें देखती हूँ, देखती हूँ जरा। फोन कहाँ है मेरा?
फोन कहाँ है? फोन गुम हो गया, फोन नहीं मिल रहा, फोन कहाँ है मेरा? फोन कहीं रख के भूल गई हूँ डेफनी यार। अरे मुझे क्या मालूम तुम्हारा फोन कहाँ पर है। अच्छा एक काम कर लो, मेरे फोन से कॉल करके देख लो। नहीं है मेरा फोन, यशम फोन भी नहीं मिल रहा, कहाँ चले गया हमारा फोन? रुको रुको, मुझे याद आ गया। अभी नींद से उठी थी ना इसलिए याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया। तुम जानती हो ना कि पहले मैं सो रही थी, बहुत नींद में थी, है ना? लेकिन अब देखो मैं उठ गई हूँ, पूरे होशो आवाज में हूँ अब मैं। हाँ, पहले मैं सो रही थी ना इस वजह से याद नहीं आ रहा था, अब मुझे याद आ गया है क्योंकि मेरा फोन जो है ना वो भाई ने ले लिया था। भाई ने कहा कि हम लोग घूमने जा रहे हैं तो फोन की क्या जरूरत है, तो उसके बाद शायद तुम्हारा फोन भी ले लिया होगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, उन्हें अपनी छुट्टियां एंजॉय करने दो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते बहन? हम दोनों यहाँ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। फिर क्या करने आए हैं डेफने? बॉक्स, 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 तुम्हें याद है बॉक्स? हद ही हो गई है, कमाल की लड़की हो, भूल कैसे सकती हो वो बॉक्स? हमें वो बॉक्स ढूंढना है, उसे ढूंढने हम यहाँ आए हैं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। मुझे बस अभी अभी याद आया है। या अल्लाह तेरा शुक्र, चलो जल्दी करो, हमें बहुत सी जगहों पर ढूंढना है। ये मेरा है और वो तुम्हारा। चलो आ जाओ। खामोशी से निकलना होगा कि कहीं वो जाग ना जाए। आ जाओ। क्या तुम तैयार हो बरूची? ये तुम्हारी तरफ आया, लो पकड़ो। हाँ हाँ तैयार हूँ, लाओ दो। ओ, यस। इनकी आवाजें किचन से आ रही हैं। हद है यार, इतने कैसे सुस्त हो सकते हो, कैसे मिस कर दिया तुमने? हाँ तो इसीलिए पहले कहा था कि फुटबॉल खेलना चाहिए, टेनिस खेलना नहीं आता है मुझे। चलो मैं दूसरा मैच शुरू कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, फेंको फेंको, लाओ दो। अरे पकड़ लिया। यहाँ क्या हो रहा है? हमने नाश्ता तैयार किया है ना बरूची? हाँ तो दिख नहीं रहे? मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हुए आप दोनों। ये कहते हो शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। देखो इस जगह को, लग रहा है कि कहीं से भैंस घुस आई है और किचन बर्बाद कर दिया है। तुम्हें हमारी मेहनत का रिजल्ट देखना चाहिए, आ जाओ मेरी जान। हद है यार, किचन बर्बाद कर दिया। यशिम यशिम देखो एक चीज दिखाता हूँ। ओ, 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 ये देखो। यार यालन आहिस्ता चलो, कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो जरा, देखा हमारा रिजल्ट? अरे यकीन ही नहीं आ रहा, तुम ये सब कहाँ से लेकर आए हो? मैंने बनाया। बुरा नहीं मानना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो बताओ कहाँ से लाए हो? हा? यकीन नहीं आता तो बरूची से पूछ लो, वो मेरे साथ ही था जब मैं ये सब तैयार कर रहा था, तो मेरे पास ही खड़ा बड़बड़ाने में मसरूफ था। मैंने भी मदद की थी। ये तो और हैरानी की बात है, आपने ये कैसे कर लिया? ये नमक मैंने ही लाके रखा है। अफसोस की बात है बरूची, जो तुम लाए हो वो नमक नहीं काली मिर्च है। हाँ तो मुझे कैसे पता होगा, दिखने में तो दोनों एक जैसी है ना, कैसे पता चलेगा कि नमक है या फिर काली मिर्च? अरे मेरी जान ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, मैं भी जानती हूँ। एक सुराख वाली बोतल काली मिर्च की और 3 सुराख वाली नमक की होती है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे ये बात पहले से थोड़ी पता थी। ओह मेरी जान, मुझे भी बहुत देर से मालूम हुआ था। चलो चलो बैठ जाओ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तुम्हारा क्या होने वाला है। बस ये कहा है, तुमसे ज्यादा नहीं। हुँ।
रुक जाओ। अगर खाते हुए बात ना करें तो ऐसा कभी नहीं होता। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू